फ्री में दिया है गैस, गैस गैस का रेट कितना बढ़ा है? गैस और पेट्रोल के लिए मोदी को नहीं बैठाया गया है। किसके लिए बैठा ले? राम मंदिर योजना विदेश में। इधर आओ, वो मंदिर बनवाए, मंदिर क्या करोगे तुम उस मंदिर का? कटोरे लगे बैठने के लिए मंदिर में, जो वो है क्या कहते हैं, पूजा कर नहीं पा रहे मंदिर में, आके करेगा राम मंदिर में। राम की मर्यादा जानी है इन भाजपा सरकारों ने, या जो मुख्यमंत्री बैठा है, या प्रधानमंत्री बैठा है, या राज्य मंत्री बैठा है, या गृह मंत्री बैठा है, ये राजनीति करते हैं राम के ऊपर। हर कोई कहता है मोदी ने कहना सिलेंडर दे दिए, यार सिलेंडर दे दिए क्या करें, हमारे में इतनी हैसियत है कि इस बारिश में सिलेंडर भर लें आज की डेट में। ये बताइए, आय भी तो दुगनी हो गई। क्या आय हो गई? पहले 5 कमाते हैं, 25। सुनो 25,000 मकान मेरे को ना कमरा 400 रुपए मिलता था, आज 4500 रुपए मिल रहा है। आय दुगनी हो गई, कमरा कितना हो गया? 10 गुना हो गया भैया। कांग्रेस क्या किया है बताओ? 70 साल लूट लिया और यही हुआ है। सुनो, तसल्ली से जो कांग्रेस ने कर दिया उसका डेंट पेंट बीजेपी नहीं करा पा रही। अच्छा, हाँ पुताई नहीं करा पा रही। कैसे कह रहे हैं? और जिसके न जाए पाए बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। जिसके औलाद नहीं है वो दूसरी औलाद क्या जाने। औलाद अच्छा एक होगी ना, अड़ुआ रड़ुआ भड़ुआ। बीजेपी के जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि वो नेपोटिज्म पे चलता ही नहीं है, वो वंशवाद के खिलाफ है। वंशवाद तो बीजेपी में भी है। कहाँ है वंशवाद जरा मुझे बताइए। राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ से विधायक है? ईसा का बेटा क्या है? मेरी बात सुनेंगे, मुझे बताने देंगे, एक्सप्लेन करने दीजिए। एक डॉक्टर है, अगर आप डॉक्टर है आपका बेटा एलिजिबल होकर यानी कि पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकता है, लेकिन आप सुनिए ना, मतलब बीजेपी में जो जिनके बेटा बनेंगे वो एलिजिबल है, कांग्रेस में जो है वो एलिजिबल नहीं है। मुझे क्लियर पप्पू है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRV। इस वक्त नोएडा उत्तर प्रदेश में मौजूद है और जो लोग फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं उनसे बातचीत करें, आने वाले 2024 के चुनाव में वो क्या कुछ सोच रहे हैं, किस मुद्दे के तहत जो है आम जनता वोट करेगी, इन तमाम लोगों से बातचीत करें। सारे मोदी मोदी हैं, सब मोदी भक्त है भाई, यहाँ पे मोदी भक्त भाई, मोदी तो ज्यादा योगी, मोदी से ज्यादा योगी। कैसा रहा 9 साल युवाओं के लिए? अच्छा रहा है। क्या क्या अच्छा रहा? सब चीज अच्छा रहा है। कैसा रहा मोदी जी का 9 साल युवाओं के? बिल्कुल बेकार रहा भाई। अब सब तो मोदी मोदी अभी कर रहे हैं। कौन कह रहा है मोदी मोदी? ये मोदी मोदी जिंदाबाद है। मोदी मोदी ने क्या दिया भाई? अभी बालक है यार तू, अभी मोदी ने कुछ नहीं दिया। मोदी खाली देश को लूट रहा है, मोदी और योगी दोनों देश को लूट रहे हैं। मोदी ने लूट लिया। महंगाई कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। मोदी ठीक है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। मोदी ठीक है। क्या मोदी के पापा आया वो भी नहीं रोक सकते? अच्छा बताइए आप। 9 साल ठीक रहा? बिल्कुल अच्छा। बढ़िया है और ऐसा ही रहे। चलिए दादा तो गदगद है पूरा, आप बताइए। देखो बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, इतने इतने सांड घूम रहे हैं, इतने किसान परेशान है इससे, है कि नहीं बाबा? अच्छा बहुत, इतने किसान परेशान है। कितने सांड बंद कराए साले, खूब व्यवस्था कराई, लेकिन फिर भी रह गए बेटा। लेकिन थोड़े थोड़े बहुत समय में ये भी नहीं रहेंगे, वो भी मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, वो वैसे तो कट जाते हैं, वो भी अच्छा है। बाबा के शासन में जो घूम रहे हैं ना, मेरे सामने जंदाड़े फोल्डी पर ले गए, खींच गए। तुम घूम नहीं पाते कांग्रेस के शासन में या अखिलेश के शासन में? हम घूमते हैं भाई, कौन नहीं कहता घूम नहीं पाते। कौन रोकता है घूमने के लिए? कुछ नहीं। युवा को क्या मिला है मोदी के राज में? फिर मोदी मोदी कर रहा है, जो सब जो कर रहे तो कर रहे हैं। किसको जो थोड़ी है, पांचों की बराबर थोड़ी, सब सबके लिए बुरे सब नहीं थोड़ी है, सबके लिए गलत नहीं है। बस बुराई करेंगे हमेशा, सपा बसपा और कांग्रेस, ये बुराई करेगी भाजपा की, बिल्कुल करेगी। अच्छा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्यों आप तारीफ उनके? नहीं तारीफ इसलिए करूंगा, उनका काम बढ़िया है, काम बढ़िया, काम देख रहा हूँ। कौन कौन सा काम अच्छा लगा? सब काम अच्छे ही है, कोई सा बुरा नहीं है, कोई होकर अगर हो जाता है। जैसे युवा कह रहे रोजगार नहीं है, रोजगार भी मिलेगा, लेकिन भैया एक बात सुनो, जब मिलेगा रोजगार 40 साल के हो जाएंगे जब रोजगार मिलेगा। अभी रोजगार लड़के कंपनियों में काम कर रहे हैं। कांग्रेस क्या किया है बताओ? 70 साल लूट लिया और यही हुआ है, लूट लिया 70 साल कांग्रेस से, 70 देश बचा लिया कांग्रेस ने। बात सुनो तसल्ली से, जो कांग्रेस ने कर दिया उसका डेंट पेंट बीजेपी नहीं करा पा रही। अच्छा, हाँ पुताई नहीं करा पा रही। कैसे कह रहे हैं? और जिसके न जाए पाए बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। जिसके औलाद नहीं है वो दूसरी औलाद क्या जाने। औलाद अच्छा, एक होगी ना, अड़ुआ रड़ुआ भड़ुआ। अच्छा, औलाद वालों ने क्या किया? औलाद वालों ने गरीबों को क्या किया? औलाद वालों ने वंशवाद को बढ़ावा दिया। ये जो कहते हैं ना, जो कांग्रेसवादी नेता है या फिर कोई भी है,
मुझे एक बात बताइए, बीजेपी की जो लोग बुराई करते हैं, बीजेपी के जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि वो नेपोटिज्म पे चलता ही नहीं है, वो वंशवाद के खिलाफ है। और जिस दिन आप वंशवाद के खिलाफ चले जाएंगे ना, उसी दिन आपके अंदर वंशवाद तो बीजेपी में भी है। कहाँ है वंशवाद, जरा मुझे बताइए। राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ से विधायक है? अगर अब देखिए, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा क्लेरिफाई करूंगा। आप जिसको वंशवाद कह रहे हैं, देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है। मेरी बात सुनेंगे, मुझे बताने देंगे, एक्सप्लेन करने दीजिए। एक डॉक्टर है, अगर आप डॉक्टर है, आपका बेटा एलिजिबल होकर यानी कि पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकता है, लेकिन आप सुनिए ना, मतलब बीजेपी में जो जिनके बेटा बनेंगे वो एलिजिबल है, कांग्रेस में जो है वो एलिजिबल नहीं है। मुझे क्लियर, पप्पू है आप, मुझे बीजेपी राष्ट्र हित में है, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, बीजेपी 110% राष्ट्र हित में ही काम करता है। देश की आजादी में कांग्रेस की मुख्य भूमिका रही है, आप भूल जाएंगे। एक मिनट, आप मुझे जस्ट ए मिनट सुने सुने, मैं एक मिनट, मुख्य भूमिका हमने कहा मुख्य, अरे हमने ये कहा सिर्फ कांग्रेस, हमारे माँ बाप जो शहीद हुए उनकी कोई मुख्य भूमिका कहा हमने, हमने कहा क्या सिर्फ कांग्रेस क्या होती है? 15 लाख हम एक लाख कह रहे। शौचालय मिला, राशन मिला कि नहीं मिला? राशन अच्छा, किसानों की ऐसी तैसी मार दी, जो मतलब जो आलू और जो खेती में जो कुछ होता उसमें दुनिया के कमीशन खोर बैठे, किसानों को कुछ मिलता नहीं क्या? किसानों को मतलब 1 लाख की सौदा 10 में बिच रही है, 10,000 में, और 1,000 का राशन दे दिया, तो क्या कर दिया मोदी जी ने? ये 9 साल आपके लिए अमृतकाल सरकार, भाजपा सरकार आज 10 सालों से वादा करती है कि देश में निवेश लाएंगे, मतलब रोजगार। कितना रोजगार आया हमारे नोएडा में, दिल्ली में, कितना आया, इस पे जवाब दो आप। तो मोदी जी की तो चर्चा खूब हो रही है, अभी सब मोदी मोदी तो कर रहे हैं। हाँ अरे जनता है भैया, हम इससे क्या मतलब, राम की मर्यादा जानी है इन भाजपा सरकारों ने, या जो मुख्यमंत्री बैठा है, या प्रधानमंत्री बैठा है, या राज्य मंत्री बैठा है, या गृह मंत्री बैठा है, इन परिभाषा मालूम रहा वो राम राज्य की? हमारे राम दशरथ नंदन राम जो एक के माँ के कहने से वनवास चले गए, घर में वो विद्रोह नहीं किया, ये राजनीति करते राम के ऊपर, कितनी मर्यादा मानते हैं। केवल जातवाद में हो रहा है बीजेपी में, केवल जातवाद पे। अगर करना विकास की बात ना करो यार, अन्य बातें करो। हर कोई कहता है मोदी ने कहना सिलेंडर दे दिए, यार सिलेंडर दे दिए क्या करें, हमारे पे इतनी हैसियत है कि 1200 में सिलेंडर भर लें आज की डेट में। ये बताइए, आय भी तो दुगनी हो गई। क्या आय हो गई? पहले 5 कमाते हैं, 25। सुनो 25,000 मकान मेरे को ना कमरा 400 रुपए मिलता था, आज 45 रुपए मिल रहा है। आय दुगनी हो गई, कमरा कितना हो गया? 10 गुना हो गया भैया। मेरी बात सुनो, अगर 2006 में 4243 रुपए हेल्पर की तनख्वाह थी, उसके हिसाब से हेल्पर की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए बताओ? कितनी अब दोगुनी हो गई? दोगुनी हुई, 10 गुनी कितनी हो गई? हर कोई बोलता है, मेरी बात सुन, सभी कर्मचारी यहाँ पे हैं, आप बताइए, सरकारी जो सरकार में है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका 6ठा वेतन, 5वां वेतन, 7वां वेतन, 10वां वेतन है, अपने प्राइवेट सेक्टर की कितनी बढ़ गई ये बताओ? नहीं बढ़ी, कितनी बढ़ गई वही तो बताओ। उसका दर कितना था? जब मैं एक बार भर्ती देखने गया था उस समय शायद 22,000 कुछ थी तनख्वाह है, आज वही उसी पोस्ट की कम 70-75 हज़ार रुपये नौकरी की तनख्वाह है, और आज प्राइवेट सेक्टर में कितनी हेल्पर की तनख्वाह बताओ? है कितनी? 8,500 में बताओ, 4,000 का कमरा, यहाँ रह के 3,000 का राशन, 8,000-7,000 रुपये खर्चा निकल गया, 1,000 रुपये में तुम क्या कमा लोगे? क्या तुम घर परिवार किसको दे दोगे जाके? अभी वही कंपनी से लोग निकल के कह रहे अच्छा दिन लाइफ ठीक है दिखाना, मुझे अगर ये अच्छे दिन है तो मुझे ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, पहले एक्सपोर्ट हाउस है नोएडा में, ठीक है, पहले कोई भी कर्मचारी कहीं रोड में निकल जाए, ठीक है, उसे नौकरी मिल जाएगी, आज हफ्तों का रोड पे घूमता है उसे नौकरी नहीं है, ठीक है, खोज का लाना पड़ता, हेल्परों को खोज का लाना पड़ता था। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी अच्छी, ना बोलेंगे हम कांग्रेस अच्छी है। आज एक नंबर क्या है, हम हर मोदी ने मकान दिया है, किसान योजना दिया है, और ये गैस योजना दिया, हर बता क्या दिया? क्या मेरे फ्री में दिया है गैस, गैस का रेट कितना बढ़ा है? ना ना, गैस और पेट्रोल के लिए मोदी को नहीं बैठाया गया है, किसके लिए बैठा ले? राम मंदिर योजना विदेश में, मैं बोल रहा हूँ मैं कर कर के तुम पूरा बड़ा हो जाओगे। मैं बात कर भाई, भाई मैं, अरे भाई मैं राम मंत्री है तो सब सुनेगा, देश का प्रधानमंत्री है तो सब सुनेगा। वो मंदिर बनवाए, मंदिर क्या करोगे तुम उस मंदिर का? कटोरे लगे बैठने के लिए मंदिर में जो वो है क्या कहते हैं, पूजा कर नहीं पा रहे, मंदिर में आके करेगा राम मंदिर में। फ्री में मिला जो गैस,
1700 रुपये में ना मैंने गैस लिया खरीदा है के ये। चलो ठीक है, 30,000 कमा रहा हूँ। 2014 से पहले मैं 6,000 में खटता था, आज मैं 30,000 कमा रहा हूँ। बताओ क्या कहे मोदी में नहीं खाना, मंदिर को पूछ के कहाँ लोगे? मैं पहले मेरे पास नहीं आ गए। बहुत अच्छे दिन आ गए, ये अच्छे ही दिन है ना। कम से कम हमारे नोएडा में चारों 30% मतलब कंपनियां बंद हो गई, GST टैक्स फलाना सब घुस दिया। कंपनी बंद जाएगा, कंपनियां निकाल रही है बंदों को, हाँ ब्रेक दे रही है। और क्या, कितना महीना यहाँ पे मिलता है कंपनी में लोगों को, आम लेबरों को? आम लेबरों को तो ये महीना के ड्यूटी के हिसाब से 8,000 से लेके जैसे आपके, हाँ 8,500। हाँ 8,500 का रेट है। तो परेशानी होगी महंगाई में? क्यों नहीं, आपको नहीं लगता परेशानी है? आज जो 300 रुपये कंपनी बढ़ाती है, मकान मालिक 500 बढ़ा देता है तो 200 रुपये से ज्यादा। एक बंदे पे वैसे तीन जने रह रहे हो तो 2,000 है, एक बंदा आगे गया, दोस्त आ गया कोई भी एक दो दिन, 500 रुपए बढ़ाता मकान मालिक। 90% जनता दुखी है, 90% सिर्फ मीडिया सुखी है, कोर्ट सुखी है, चुनाव आयोग सुखी है, सब सुखी है, सब भ्रष्टाचार टोटल। हाँ आम जनता बंद होना चाहिए बस, मेन चीज है जो घूसखोरी। अभी तो सब खुश थे, मोदी कर रहे थे, आप लोग फिर घूसखोरी घूस कर रहे, करने वाले कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। जो परेशान है वो नहीं कर रहा और जो उनसे खुश है वो कर रहा। हाँ घूसखोरी खत्म होनी चाहिए, मेन चीज है घूसखोरी। जो रेडी बेचारे लगाए हैं रोजगार कर रहे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं अपना, कैसे भी पैसा लगा के या पूंजी लगा के, थोड़ी बहुत पूंजी हुई लगा के, वो रेडी लगा लिया तो उस पे भी 100 रुपये 50 रुपये यहाँ पे जो दबंग लोग हैं वो उनसे उगा के ले जाते हैं। ये सरकारी रोड है, इस सरकारी रोड है तो साइड में लगाए हैं, यह तो है नहीं कि बीच में लगा लिए हों, तो वो दबंग लोग क्यों ले जाते हैं पैसे?